तो हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है इन एन एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोला है कि फर्स्ट टर्म इज ए वन एंड लास्ट टर्म इज 20। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि फर्स्ट टर्म को ए मान लेना है। फर्स्ट टर्म हमारा ए होता है, तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट टर्म इज वन मतलब ए आपका वन हो गया। और उन्होंने बोला है कि लास्ट टर्म इज 20, लास्ट टर्म को आप टी एन मान लेना है। तो लास्ट टर्म आपका 20 हो गया, तो टी एन की वैल्यू हो गई 20, ए की वैल्यू होगी 1। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बोला है द सम ऑफ ऑल टर्म इज 399। जितने भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप समझ लो, नंबर होते हैं एक के बाद एक, और हर बाजू बाजू वाले नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होता है। तो जितने भी वहाँ पर नंबर है उन सबको अगर मैंने प्लस किया, ऐड किया, तो मेरा आंसर आने वाला है 399। तो उसको आप लिख लो, सम आ गया मतलब ऐसे ना आ गया आपका, सम आ गया मतलब ऐसे ना आ गया। तो आपके पास यहाँ पर तीन चीज़ दी हुई है, ए दिया हुआ, टी एन दिया हुआ, एस एन दिया हुआ। आपको एन निकालना है। क्या निकालना है आपको? एन निकालना है। तो कैसे निकालोगे? चार ऑप्शन दिया हुआ है। अब आपके पास एस एन है, एस एन का आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, एस एन इज इक्वल टू 2a + n - 1 × d। तो उसके अंदर आपको एन भी लगेगा, टी भी लगेगा। ना तो आपके पास एन है, ना तो आपके पास डी है। तो आपके पास यहाँ पर टी एन दिया हुआ है। सबसे पहले टी एन का फॉर्मूला लगाओ, टी एन इज इक्वल टू a + n - 1 × t, ठीक है, n - 1 × d। तो आपके पास टी एन कितना दिया है? टी एन लास्ट टर्म बोले तो 20, a कितना दिया है फर्स्ट टर्म बोले तो 1। अब इसके बाद ना तो n है ना तो d है, तो इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, n - 1 d। अब 1 को मैं इधर लेके चले जाऊँगा, तो ये 20 - 1 हो जाएगा। n - 1 × d आपका राइट साइड में वैसा का वैसा रहने दो। 20 में से 1 गया, कितना बच रहा? 19। तो n - 1 d की वैल्यू आ रही 19। अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे कैसे लिख दो कि n - 1 d की जगह पर मैं 19 लिख सकता हूँ। या तो 19 लिखो या तो n - 1 × d लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब वो आपको यहाँ समझेंगे। अब आपके पास sn भी दिया हुआ है, तो sn का फॉर्मूला लगा लो, n/2 (a + n - 1 d). देखो यहाँ पर n - 1 d है, डायरेक्ट 19 लिख देना उसकी जगह पर, इतना आसान है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। एस एन दिया हुआ है 399, एन हमको निकालना है 2 ऐसा का वैसा, 2 ए आपको 1 है, तो 2 × 1 हो जाएगा, प्लस ये जो n - 1 × d है, इसकी जगह पे मैं 19 लिख सकता ना, तो मैं 19 लिख दूंगा डायरेक्ट, ठीक है। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 399 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर बचेगा एन, ठीक है। और ये 2 × 1 = 2 + 19, 399 को 2 से अगर मैंने मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 798। मेरा आंसर क्या आएगा? 798। एन 19 + 2 कितना हो रहा है? 21। अब आप देखोगे n और 21 दोनों मल्टीप्लाई में, तो दोनों तरफ 21 से डिवाइड कर दो ताकि आपको n निकल सके। ये दोनों कट हो जाएगा, 21 के टेबल में 798 आता है या नहीं आता है वो चेक करो। 21 × 10 = 210 होता है, 420 (630) 840, ठीक है, ठीक है। तो 21 × 840 = 790, 21 × 38 कर देखो, 8 × 1 = 16, 3 × 3 = 0, 3 × 3 = 6, 8 × 6 = 9, 6 × 7 = 798। 21 के कितने टेबल पे है? 38 पर क्या आता है? 798। तो यहाँ पर आपका आंसर ऐसा आ रहा है, n इज इक्वल टू 798 upon 21, 21 × 1 = 21, 38। तो ये आपका n इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 38। तो n कितना निकल रहा है आपका? 38। क्वेश्चन में कहाँ पर 38 है वहाँ पर आपको टिक कर देना है, ये आपका आंसर है।